है अपने प्रोग्राम में, राइट। वो सबसे पहले क्या क्या करना है आप लोग कुछ बताएंगे। डेटाबेस से अगर आपको डेटाबेस का प्रोग्रामिंग करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्ट टू डेटाबेस, राइट। कनेक्ट टू डेटाबेस डेटाबेस, करना है, सबसे पहले क्या करना है, कनेक्ट टू डेटाबेस। डेटाबेस से कनेक्ट करना है। और डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए क्या बताया थे, क्या चीज का जरूरत पड़ता है, कनेक्शन स्ट्रिंग का, इसका जरूरत पड़ता है कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का। ये आप लोगों को हम 2 दिन से बता रहे हैं, राइट। ठीक है, और कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या होता है, मेनली आपका होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब आपका सर्वर का डिटेल, ठीक है, डीबी सर्वर नेम, डीबी सर्वर नेम, ठीक है। और दूसरा जो चीज होता है वो होता है डेटाबेस नेम, डेटा बेस नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग उसको बोलते हैं इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग, जो कि इस केस में हम लोग के केस में है टेस्ट डीबी, क्योंकि हम लोग टेस्ट डीबी बनाए हैं। डेटाबेस क्या कौन सा बनाए हैं, टेस्ट टेस्ट डीबी, तो इनिशियल कैटलॉग ये हुआ। तो अभी जो हम लोग सबसे पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं, या जो सबसे पहला जो चीज सीखने जा रहे हैं, वो ये सीखने जा रहे हैं कि हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को यस, कल के क्लास के बारे में थोड़ा सा भी ध्यान है, तो उसमें आप लोगों को एक चीज हम बताए थे, और वो चीज ये था कि मान लेते हैं ये आपका डेटाबेस है, राइट, और आपको क्या करना है, डेटाबेस में कनेक्ट करना है, मतलब डेटाबेस का आपको डेटाबेस में कनेक्ट वगैरह करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मॉड्यूल बनाते हैं नॉर्मली, और उस मॉड्यूल का काम क्या होता है, डेटाबेस से कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना। एक मॉड्यूल बनाते हैं, उसका नाम मेनली क्या, उसका काम मेनली क्या होता है, कनेक्ट डिसकनेक्ट, या बोलिए क्लोज, ठीक। तो हम लोग अभी एक ऐसा ही मॉड्यूल बनाएंगे, एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसका मेन काम होगा डेटाबेस से कनेक्ट करवाना और डेटाबेस से कनेक्शन हटाना, मतलब डेटाबेस से कनेक्शन डिसकनेक्ट होना। बात समझ में आ गया, सबसे पहला काम हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक। किन्हीं को कोई दिक्कत इसमें, हेलो, किन्हीं को कोई दिक्कत, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नो सर, नहीं सर, चलिए ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक छोटा सा सैंपल प्रोग्राम बना के रखे हैं जिसका काम होगा डेटाबेस से कनेक्ट करना, डिसकनेक्ट करना, ठीक है। आप लोगों को हम बताएं क्या थे, अच्छा अच्छा तो हम एक प्रोजेक्ट बनाए हैं क्रिएट कनेक्शन, प्रोजेक्ट का क्या नाम रखे हैं, क्रिएट कनेक्शन। तो आप कनेक्शन लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसका नाम आप कुछ भी रख दीजिए, क्रिएट कनेक्शन रखना चाहते हैं तो क्रिएट कनेक्शन रखिए, कुछ और रखना चाहते हैं तो कुछ और रखिए, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोग, सब लोग कंसोल एप्लीकेशन बनाइएगा, कैसा एप्लीकेशन बनाइएगा, कंसोल एप्लीकेशन का एक नया प्रोजेक्ट आप लोग इनिशिएट कर सकते हैं सब लोग, ओके। चलिए अब क्या करना है, हम एक फोल्डर बनाए हैं डेटा कॉन्टेक्स्ट, आपको मन है तो बनाइए। तो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे जाइए, राइट बटन क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए, और नया फोल्डर बनेगा, उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम नाम रखे हैं डेटा कॉन्टेक्स्ट। अगर आप भी डेटा कॉन्टेक्स्ट रखना चाहते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि हम लोग सब एक सिंक में रहेंगे। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, फोल्डर नहीं भी बनाना चाहे तो वो भी छोड़ सकते हैं, बट अगर अभी एक सिंक में रहना है तो ऐसा ही एक फोल्डर बना लीजिए, उसका नाम रख दीजिए डेटा कॉन्टेक्स्ट। अब क्या करना है, डेटा कॉन्टेक्स्ट के अंदर में जाइए, ठीक है, राइट बटन क्लिक कीजिए, ठीक है, ऐड पे क्लिक कीजिए और क्लास पे क्लिक कीजिए, ठीक है। और क्लास का नाम जैसे हम यहाँ पे दिए हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, आप भी चाहे तो वही नाम दे सकते हैं, नहीं तो दूसरा नाम भी दे सकते हैं। तो अब एक नया फाइल बन के आएगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट सी एस, तो यहाँ पे आप नाम दे दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं, हम दिए हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, अगर आप भी वही नाम दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ताकि आप लोग कंफ्यूज कम हो ये बात भी सही है। ठीक है। अब हाँ सर, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर में चार प्रॉपर्टी बनाई है। एक प्रॉपर्टी बनेगा डेटाबेस नेम स्ट्रिंग, यूजर नेम स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, डेटाबेस सर्वर स्ट्रिंग, चार प्रॉपर्टी बनाई है। तो उस क्लास के अंदर में, इसके अंदर सर, उस क्लास के अंदर में हाँ ये जो क्लास बना है ना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, इंटरनल क्लास डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। हाँ मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, राइट? हाँ सर, दिख रहा है। इसमें चार प्रॉपर्टी हम बनाए हैं। हाँ सर, वो चार प्रॉपर्टी बनाई है आप लोग भी। स्पेलिंग वगैरह गलत बना सही दिया से क्या? लिखिएगा क्या क्या। हाँ हम रुक किसको जाइए, जान पहले चार देंगे? प्रॉपर्टी हो गया। हाँ, चार प्रॉपर्टी बना चलिए दीजिए। अब अगला काम कीजिए, एक कंस्ट्रक्टर बनाइए जीरो आर्गुमेंट का, उसमें कोई प्रोग्राम लिखने का जरूरत नहीं है। ये लिखिए तो, कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें कोई प्रोग्राम नहीं है, बस खेली ब्रैकेट स्टार्ट किए बंद किए। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक तो डेटाबेस है, रहने देते हैं, कंट्रोल सी कर रहे हैं। सर अब डेटाबेस ठीक है, इसमें एक काम करते हैं, इसमें कोड लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, और आपका क्या है, डेटाबेस नेम इक्वल टू डेटाबेस नेम कर दीजिए। ठीक। हेलो, यस सर, और एक और बनाते हैं। ये बस केवल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, इसको इसमें कुछ नया, कुछ हम तूफानी चीज नहीं कर रहे हैं। डेटाबेस सर्वर, ठीक है, ये जरा लिखिए आप लोग। दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक कंस्ट्रक्टर जो कॉलेज से था ये, और एक ये कंस्ट्रक्टर बनाया। ये दो कंस्ट्रक्टर बनाइए। तो आप लोग जरा स्पेलिंग वगैरह सही किसे लिखेगा, स्पेलिंग वगैरह गलत अब एक किसे मेथड लिखेगा। बनाना है, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन ओपन कनेक्शन। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इससे पहले आप ये सब काम कीजिएगा, पहले ध्यान से देखिए आप क्या कर, आपको क्या करना है। आप जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्रिएट कनेक्शन है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्रिएट कनेक्शन। आप लोगों का प्रोजेक्ट का नाम कुछ अलग अलग भी हो सकता है, कोई क्रिएट कनेक्शन भी रखे हैं, कोई क्रिएट कनेक्शन नहीं भी रखे। ठीक है, जो भी नाम रखे हैं आप उस प्रोजेक्ट पे जाइए, क्लिक कीजिए। ठीक है, एक बार क्लिक कीजिएगा, दो बार नहीं क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद राइट बटन सर, क्लिक कीजिए, राइट बटन क्लिक कीजिए। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, प्रोजेक्ट पे चले गए हैं सब लोग। हेलो, प्रोजेक्ट पे गए सब लोग, राइट बटन क्लिक सर, किए हाँ सर, सब लोग। हाँ सर, ठीक है, और उसके बाद क्लिक कीजिए मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे। कहाँ पे क्लिक करेंगे, मैनेज न्यू गेट पैकेजेस पे क्लिक करना है। ध्यान से देख रहे हैं आप लोग सब लोग, मेरा कर्सर कहाँ है, सर अभी पूरा लिखने तो दीजिए मैम। राइट बटन क्लिक करने के बाद मैनेज न्यू गेट पैकेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैनेज न्यू गेट पैकेज पे क्लिक कीजिए, एक स्क्रीन खुलेगा। ठीक है, इसमें ब्राउज पे क्लिक करना है आप लोगों को, किस पे क्लिक करना है, ध्यान से देखिए, ब्राउज पे। मेरा कर्सर देख रहे हैं आप लोग, मेरा कर्सर सब लोग देख रहे हैं, ब्राउज पे क्लिक हाँ करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, सिस्टम
ये आप क्लिक सर्च कीजिए, ऐसे आप सीक्वल क्लाइंट भी क्लिक सर्च कीजिएगा हो जाएगा, डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट भी डालिएगा उससे भी सर्च हो जाएगा, नहीं तो आप सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट सर्च कीजिए, तो किस उसी पे पर सर क्लिक जाना है? कीजिए। मैंने क्लिक कर लिए, सब लोग को मिला ऐसा? 4.8 में करना है। रुक ठीक जाइए आगे मत बढ़िए। है, हाँ बाकी लोगों का हो गया है, सबको ठीक मिला है है। सुमन। हाँ यहाँ पे सर, सेलेक्ट करने के बाद इस पे इस कॉल पे क्लिक कीजिए। क्या ओके पे क्लिक कर दीजिए। गया? हाँ को इंस्टॉल होने दीजिए। ठीक है, हो गया इंस्टॉल, इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लोज कीजिए। हाँ इस पे सर। क्लोज कर दीजिए, आप जीत गए। हम चलिए अब आप क्या करेंगे देखिएगा, अब आप लोग अब जाएंगे यहाँ यहाँ पे पे क्या क्रिएट करने जा रहे हैं, हम एक मेथड बना रहे हैं ओपन कनेक्शन। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं, एक मेथड बनाने जा रहे हैं ओपन कनेक्शन। अब हम लोग क्या करें, ये मेथड क्या करेगा, कनेक्शन ओपन करेगा। जब ये कनेक्शन ओपन करेगा तो कनेक्शन ओपन करने के लिए आपको एडिया डॉट नेट में सिक्वल कनेक्शन नाम का क्लास दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा कि सिक्वल कनेक्शन नाम का एक क्लास है जो कि आपको एडिया डॉट नेट में दिया गया है। ठीक है, ये सब नहीं आया सर मेरे में। अच्छा क्या नहीं आया, लिखना पड़ेगा ना भाई साहब, रुक जाइए, पहले इतना लिखने से पहले आप पहले सुन लीजिए कि है क्या। ठीक, ठीक हम लोग एक मेथड बना रहे हैं ओपन कनेक्शन, इस मेथड का काम है कनेक्शन को ओपन करना। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि कनेक्शन ओपन करने के लिए हम लोगों को एक चीज चाहिए होता है, जिसमें कि हम लोगों को बताना होता है कि डेटाबेस का नाम क्या है और सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस सर्वर का नाम क्या है, ये सब आपको बताना होता है। ठीक है, और उसमें एक चीज और भी बताना होता है कि आप जो अभी डेटाबेस से कनेक्ट करने जा रहे हैं वो आप यूजर आईडी पासवर्ड देके आप डेटाबेस में कनेक्ट कर रहे हैं या फिर विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। अभी विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या होता है पहले आप लोग 1 मिनट के लिए समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे देखिए डेटाबेस में जब हम कनेक्ट हो रहे थे तो हम इसको पहले एक बार डिसकनेक्ट करते हैं। ठीक है, हम डिसकनेक्ट करते हैं। अब देखिए हम डेटाबेस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ऐड सिक्वल सर्वर, और हम अपना डेटाबेस सर्वर जो भी मेरा नाम है उस डेटाबेस सर्वर का नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं। मेरे केस में जो मेरा सर्वर का नाम है वो है desktop-rjmv जो भी है स्लैश उसके बाद MS SQL Server 2019, ये मेरा डेटाबेस सर्वर का नाम है। ठीक है, आपके केस में सबका नाम अलग अलग था, राइट। उसके बाद ऑथेंटिकेशन में हम सेलेक्ट किए हैं विंडोज ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि देखिए डेटाबेस सर्वर में जब कभी भी आपको एक्सेस करना है, डेटाबेस सर्वर को अगर आपको कभी भी एक्सेस करना है तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको देना ही पड़ता है। लेकिन वहां पे एक परमिशन और भी दिया गया है, एक ऑप्शन और भी दिया गया है। आप जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप ओपन करते हैं, जब आप अपना लैपटॉप रीस्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, या रीस्टार्ट कीजिए, चाहे पहले आपका लैपटॉप बंद था अभी आप ऑन कीजिए, तो ऑन होने के बाद वो आपसे पासवर्ड मांगता है। नहीं जब आप अपना लैपटॉप ऑन करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो आपसे पासवर्ड मांगता है, मांगता बाकी लोग पासवर्ड देते हैं, है, मांगता है सर। सबके पास आता है ना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, कि किसी के पास नहीं भी आता है, सबके पासवर्ड आता है, मांगता है पासवर्ड। पास। ठीक है, इसका मतलब क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लॉगिन करने के लिए आपको पासवर्ड, आपके लैपटॉप का पासवर्ड पता होना चाहिए, राइट, है ना। हेलो, यस अब क्या हुआ, सिक्वल सर्वर जो आप इंस्टॉल किए हैं, ध्यान से आप ये कहानी सुन लीजिए, नहीं तो बाद में हमको मत बोलिएगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या है विंडोज ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जो भी बता रहे हैं ध्यान से सुनिए। अब क्या हो रहा है, जो आप सिक्वल सर्वर इंस्टॉल किए हैं वो सिक्वल सर्वर आप इंस्टॉल किए हैं अपने लैपटॉप में,
कहाँ इंस्टॉल किए हैं? सब लोगों के लैपटॉप में है राइट? सिक्वल सर्वर आप ही के लैपटॉप में इंस्टॉल है ना? सबके सबके अपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल है? यस सर, सबके लैपटॉप में। ठीक है, अब सिक्वल सर्वर में जब आपको लॉगिन करना है, सिक्वल सर्वर डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे दो तरीका है, तरीका बहुत सारा है, अभी हम दो के बारे में बात करें। एक है विंडोज ऑथेंटिकेशन। विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब वो यूजर जो कि ऑलरेडी विंडोज में लॉगिन कर चुका है, ठीक है, उसका यूजर आईडी पासवर्ड भी जो है सिक्वल सर्वर को पता चल जाता है, ठीक है, क्योंकि वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में है, वो खोज लेता है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो विंडोज ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी अभी करंटली विंडोज में लॉगिन किया है और अगर वो सिक्वल सर्वर एक्सेस कर पा रहा है, मतलब उसको दिख रहा है सिक्वल सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो वो जो आदमी है उसको हम यूजर आईडी पासवर्ड नहीं पूछेंगे। जो भी यूजर आईडी से वो लॉगिन किया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, हम वही यूजर आईडी पासवर्ड हम यूज कर लेंगे, हम उसे पूछेंगे नहीं, जो ऑलरेडी यूज कर लिया है उसी से आप लॉगिन किए हैं विंडोज में, राइट, अपने लैपटॉप में ओपन किए खोले तो पासवर्ड दिए थे, जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है वही एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको लॉगिन करवा देंगे और हम मार्क कर लेंगे कि ये आदमी जो है वो लॉगिन किया था। तो इस केस में हम लोगों को यूजर आईडी पासवर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिक्वल सर्वर क्या करता है, विंडोज का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वही इंटरनली यूज कर लेता है और आपको लॉगिन करने के लिए दे देता है, आपको कनेक्ट करवा देता है। बात समझ में आ गया विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या है? विंडोज ऑथेंटिकेशन क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपका ये डेटाबेस में कनेक्ट हो गया है और अब हमको सारा जो इस सर्वर के अंदर में जो भी डेटाबेस वगैरह सब हमको दिखने लगा है, राइट, मतलब हम डेटाबेस में कनेक्ट हो गए बिना यूजर आईडी पासवर्ड दिए हुए, विंडोज का जो यूजर आईडी पासवर्ड था उसको यूज करके सिक्वल सर्वर हमको लॉगिन करने दिया है, ठीक है। तो जब हमको विंडोज का यूजर आईडी पासवर्ड यूज करके हमको लॉगिन करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। सिक्वल सर्वर में उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। अगर आप उसको ट्रू कर दीजिएगा, इसका मतलब अब आप जो लॉगिन करना चाहते हैं वो आप लॉगिन करना चाहते हैं किसको यूज करके, विंडोज का यूजर आईडी और पासवर्ड, मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज करके आप लॉगिन करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें? तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी का मतलब समझ गए आप लोग, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू का मतलब आपको अब यूजर आईडी पासवर्ड देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। बाकी लोग? नहीं देना, नहीं देना है सर। नहीं देना है, क्यों नहीं देना है? नहीं देंगे तो कहां से ये यूजर आईडी पासवर्ड लेगा? सर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू कर दिया इसका मतलब कि सर वो डेटाबेस में ऑटोमेटिक पासवर्ड उठा लेगा सर। कहां से लेगा? नहीं, ये एसक्यूएल का विंडोज ऑथेंटिकेशन का जो है सर। ये एसक्यूएल का नहीं है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूजर आईडी पासवर्ड है जिससे कि आप अभी लॉग इन किए अपने लैपटॉप में, वो यूजर आईडी पासवर्ड यूज करेगा। बात सबको समझ में आ गया है? ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू का मतलब क्या होता है? हाँ सर। सुमंत आप हैं? यस सर, यस सर। ओके, और सत्या, दूसरा जो चीज आपको देना होता है वो होता है डेटाबेस का नाम। दूसरा जो चीज आपको देना है वो है डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस का नाम जो है हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वेरिएबल हम लोग यूज किया ना, प्रॉपर्टी बनाया ना डेटाबेस नेम, यस सर। तो हम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे पास कर रहे हैं और देखिए हम यहाँ पे क्या लिखाए हैं, डॉलर सिंबल लगाए, राइट। तो डॉलर सिंबल लगाने के बाद क्या होता है कि हम इस ब्रैकेट में हम वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं ना, यस सर। तो जो भी हम डेटाबेस का नाम प्रॉपर डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा जो है वो है डेटाबेस सर्वर। क्या है? डेटाबेस सर्वर। उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना है डेटा सोर्स, ठीक है। तो डेटा सोर्स इक्वल टू हम यहाँ पे डेटाबेस सर्वर लिखे हैं, जब हम इसको डेटाबेस सर्वर का वैल्यू जो भी पास करेंगे वो यहाँ पे आएगा और आपका डेटाबेस में कनेक्ट हो जाएगा, मतलब। और ये सब तीनों चीज मिला के डेटाबेस का नाम, सर्वर का नाम और यूजर आईडी पासवर्ड, और क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ नहीं दे रहे हैं तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू, ये तीनों चीज मिलके जो आपका बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बताएं आपको, कनेक्शन स्ट्रिंग। क्या बनता है? कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग।
सो कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ जो है आपका एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम ले लिए हैं, ठीक है, और उसमें हम ये तीनों चीज डाल दिए, ठीक है, क्या क्या डाले हैं, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, डेटाबेस इक्वल टू डेटाबेस नेम जो कि आपका प्रॉपर्टी है, और तीसरा डेटा सोर्स में डेटाबेस सर्वर का नाम, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किन्हीं को? इसको समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? नो सर, समझ में आ गया है, तो हम जरा इसको दो लाइन में कर देते हैं या तीन लाइन में कर देते हैं ताकि सब कुछ दिखे, है ना, अगर आप लोग एक ही लाइन में लिखेंगे तो ये प्लस सिंबल और ये सब और बीच में डॉलर बार 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 नहीं देना पड़ेगा, अगर आप भी अलग अलग लाइन में लिखेगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप लोग खाली लिखने में गड़बड़ाइएगा मत, बता दे रहा है, ठीक है, ये आपको साथ में एक जगह पे दिख जाए इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है, जो लाइन कमेंटेड है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक सर, ओपन कनेक्शन लिखने के बाद नीचे रेड आ जा रहा है सर। हाँ रुक जाइए एक सेकेंड, तो ये आपका ये लाइन समझ में आ गया है, तो हम अभी क्या किए हैं, सबसे पहले सिंपल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें क्या पास किए हैं, उसमें वैल्यू डाल दिया नल, ठीक है, तो सिंपल कनेक्शन आपको कहाँ से मिला है, तो सिंपल कनेक्शन मिला है आपको जो अभी आप न्यूकेट पैकेज डाले हैं ना उसमें है, ठीक है, जब सिंपल कनेक्शन डालिएगा तो आपको एक एरर मैसेज आएगा, बोलेगा सिंपल कनेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्योर क्लाइंट, ये आप जरा लिख लेंगे सबसे पहले ऊपर में सब लोग, लिख लिया सब लोग यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्योर क्लाइंट, स्पेलिंग सही रहना चाहिए, स्मॉल कैपिटल कीजिएगा तो काम नहीं करेगा, यूज करना है पहले से लिए हुए, चलिए वो नेम स्पेस यूज कीजिएगा तो आपको एरर मैसेज नहीं आएगा जब आप यहाँ पे ये लाइन लिखेगा, कौन सा लाइन सर आ रहा है, फिर भी आ रहा है सर, रुक जाइए ये वाला लाइन एक सेकंड, बाकी कहीं पे और एरर आ रहा होगा तो देखेंगे, ये लाइन जब लिखेगा तो एरर नहीं आएगा, सिंपल कनेक्शन कनेक्शन इक्वल टू नल सेमीकोलन, ठीक है, ये लिख लिए आप लोग सब लोग, सर ऊपर वाले लिख रहे उसी में एरर आ रहा है, ठीक है उसको आने दीजिए ना बाद में सही हो जाएगा, वो चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट देके ये लिख लिए सही हो जाएगा, जय चिंता नहीं कीजिए, ठीक, उसके बाद आप ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए, हाँ सर कर दिए सर, ठीक है, उसके बाद हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग में वैल्यू डाले हैं तीन चीज, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, डेटाबेस का नाम और डेटा सोर्स का नाम, ठीक है, उसके बाद अभी नोट करने से पहले ध्यान से पहले सुन लीजिए अब आगे हो क्या रहा है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया ये वाला वैल्यू, ठीक है आ गया है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कनेक्शन इक्वल टू कनेक्शन, ये जो हम लोग क्रिएट किए हैं सिक्योर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, सिक्योर कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं कनेक्शन, ये कनेक्शन इक्वल टू लिखे न्यू सिक्योर कनेक्शन, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योर कनेक्शन क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पैरामीटर में पास किया गया है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर, ठीक है, तो अब हमारा कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास कनेक्शन स्ट्रिंग चला गया है, अब हम यहाँ पे ट्राई कैच लिख रहे हैं, ट्राई कैच क्यों लिखते हैं, ताकि कोई एरर होगा तो हम उसको अच्छे से हैंडल कर लें, राइट, कोई एक्सेप्शन होगा तो उसको हम हैंडल कर लें, तो हम ट्राई के अंदर में जाके कनेक्शन डॉट ओपन लिखे, क्या लिखे, कनेक्शन डॉट ओपन, ये जो ओपन है ये जो मेथड है वो सिंपल कनेक्शन क्लास का है, इसीलिए कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ हम ओपन मेथड कॉल कर पा रहे हैं, ये ओपन मेथड काम क्या करता है ध्यान से पढ़िए, तो क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या करता है ओपन मेथड, ओपन से डेटाबेस कनेक्शन विद द प्रॉपर्टी सेटिंग स्पेसिफाइड बाय द सिक्योर कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है, तो सिक्योर कनेक्शन के कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी प्रॉपर्टी में आप वैल्यू डाले हैं, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग में जो भी डाले हैं, राइट, है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप वैल्यू डाले हैं अगर वो सही होगा तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग को ये यूज करेगा और डेटाबेस से कनेक्ट करेगा, ठीक है, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो हम लोग अगले लाइन में जाएंगे और मैसेज क्या प्रिंट होगा, कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली, अगर कनेक्शन ओपन नहीं हुआ, कुछ गलत सलत लिखे होंगे अगर आप,
कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्शन में, ठीक है। और एक्सेप्शन में जाने के बाद ये प्रिंट करेगा एरर ओपनिंग कनेक्शन, और जो भी एरर का डिटेल होगा वो हमको ये प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन में हम डाल रहे हैं नल, कनेक्शन ऑब्जेक्ट में हम डाल रहे हैं नल, मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट में जो भी एड्रेस वेड्रेस था उसको हम खत्म कर रहे हैं, उसमें नल डाल दिए। अगर एक्सेप्शन होगा तब, अगर एक्सेप्शन नहीं होगा, ठीक है, अभी नल डाल दिए, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, कनेक्शन। अगर एरर आएगा तो कनेक्शन में क्या जाएगा, नल, तो यहां पे रिटर्न क्या होगा, नल। हेलो, अगर yes, एरर होगा तो कनेक्शन में क्या सेट होगा, नल, तो रिटर्न भी क्या होगा, नल, क्योंकि कनेक्शन में नल है तो नल ही जाएगा। अगर एरर नहीं आएगा, अगर एरर नहीं आएगा तो ये जो कनेक्शन में जो भी वैल्यू है, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, मतलब कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। यानी कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। तो मेनली इसमें एक ही फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं, ओपन फंक्शन, जो कि सिक्वल कनेक्शन के अंदर में है, ठीक है। और इसका काम है कनेक्शन स्ट्रिंग में जो आप पास कर रहे हैं उसको यूज करके डेटाबेस से कनेक्ट करें, इतना ही काम है। एक ही फंक्शन हम पूरे प्रोग्राम में, ये जो फंक्शन लिखे इसमें एक ही काम जो मेन कर रहे हैं वो ओपन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि सिक्वल कनेक्शन क्लास के अंदर में है, ठीक है। और सिक्वल कनेक्शन जो ओपन फंक्शन जो काम करवाता है उसको चाहिए होता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग जो है, आप जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसमें कि आप एक आर्गुमेंट डाल सकते हैं और वो आर्गुमेंट कनेक्शन स्ट्रिंग हो सकता है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दिए, वो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो उसके प्रॉपर्टी में चला जाता है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी को यूज करता है ओपन करने के लिए। अगर सब कुछ सही रहेगा डेटाबेस कनेक्शन ओपन हो जाएगा, अगर कुछ एरर आएगा तो एक्सेप्शन में जाएगा। इन्हीं को कोई दिक्कत इतने में, और बाद में हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब आप लोग जरा इस प्रोग्राम को लिखेंगे, आप लोग जल्दी से फटाफट लिखेंगे, जल्दी से। हेलो, यस सर, जल्दी लिखिए जरा। एक काम करते हैं, 61 सर, इस लाइन को फिलहाल हम हटा देते हैं ताकि सब कुछ एक जगह पे आ जाए, ठीक है। ये शुरू से लेकर डायरेक्ट 61 से पहुंच जाएंगे, लाइन 61 से 80 तक लिखना है। हर जगह पे सेमी कॉलन यूज किया हुआ है, ये सेमी कॉलन बड़ा ध्यान से दीजिए, ठीक है, इसको छोड़िएगा नहीं, जहां जैसे जो लिखा है वैसे ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा है ना। उसमें आप देखिए, हम एक दूसरा आपको बनवा रहे हैं, क्लोज कनेक्शन। क्या बनवा रहे हैं, क्लोज कनेक्शन, क्लोज, ठीक है। और क्लोज कनेक्शन में आप पास करेंगे सिक्वल कनेक्शन का एक कनेक्शन, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, क्या पास करेंगे, कनेक्शन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिस भी कनेक्शन को क्लोज करना है वो ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे कि जो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिया गया है उसमें नल है कि नहीं है। अगर वो नल नहीं है तब आप लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्लोज, ये क्या करेगा, डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज करेगा। इसका यूज हम लोग अभी देखेंगे कि क्या होता है, बट फिलहाल ये जान लीजिए कनेक्शन को क्लोज करने का काम है। अभी कनेक्शन को क्लोज करना क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। इधर आपका जो है, मान लेते हैं ये आपका है डेटाबेस, ठीक है, ये आपका है डेटाबेस, और उसका सर्वर का नाम और डेटाबेस सर्वर, डेटाबेस सर्वर, या बोल दीजिए सिक्वल सर्वर, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। अब ये ओपन डॉट कनेक्शन क्या करेगा, ये इस दोनों के बीच में एक चैनल खोल देगा, इस दोनों के बीच में क्या करेगा, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा कि अब जो है ये जो कोड है ये क्या कर सकता है, इस सर्वर से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो कोड है जो ओपन कनेक्शन किए हैं, और इसमें जो सिक्वल कनेक्शन एक हम लोग ऑब्जेक्ट यूज किए हैं, वो अब डेटाबेस से कनेक्ट हो गया है। जैसे आप सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो यूज करके
डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, या फिर यहां पे हम लोग डेटाबेस से कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम लोगों को डेटाबेस के अंदर में जो भी टेबल डेटाबेस है या इस डेटाबेस सर्वर के अंदर में जो भी डेटाबेस है या इस डेटाबेस के अंदर में जो भी टेबल वगैरह है वो हमको दिखता है और ये हमको दिखा देता है। क्यों? क्योंकि अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ये SQL सर्वर से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। उसी तरह से आपका जो ये कनेक्शन है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है एक नया कनेक्शन क्रिएट किया है, ठीक है, और ये आपको SQL सर्वर में SQL सर्वर से कनेक्ट हो गया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सा लोग या कौन कौन सा यूजर अभी डेटाबेस में कनेक्ट है, अगर वो देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे आपको हम बता देते हैं, या आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, या आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए मेरा कर्सर ध्यान से देख रहे हैं, आप लोगों के पास ये स्क्रीन है ना, मेनली इसाकी और शिवानी आपके पास ये स्क्रीन है राइट, आप लोग डेटाबेस से कनेक्टेड है? हाँ सर। शिवानी आप डेटाबेस से कनेक्टेड है, ये स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ। SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, और आप लोगों को एक टेस्ट डीबी बनवाए थे राइट, टेस्ट डीबी बनवाए थे ना डेटाबेस लास्ट क्लास में, आप लोगों को एक डेटाबेस बनाने के लिए दिए थे और टेस्ट डीबी बनवाए थे ना? हाँ सर। शिवानी? यस सर, बनवाए थे, ठीक है, तो बना हुआ है, ओके फाइन। तो अभी हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू क्वेरी, आप लोग भी क्लिक कीजिए किसी भी जगह पे, जैसे डेटाबेस पे हम गए यहाँ पे क्लिक किए और बोलते हैं न्यू क्वेरी, ठीक है, न्यू क्वेरी पे क्लिक कीजिए। जब क्लिक करेंगे तो ये आपका नया स्क्रीन आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है SQL क्वेरी 1.sql, ये आपको खुल के आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं sql_ execute, उसके पहले लिखें execute, ठीक है, sp_execute sp_who, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जीक्यूट एक स्टेटमेंट है जिसका काम है एग्जीक्यूट करो, sp_who एक प्रोसीजर है, एक स्टोर प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, ये दिखाएगा यहां पे देखिए SQL एक मेन्यू आपके पास है, यहां पे जाके आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। आपके पास ये मेन्यू आया है, SQL मेन्यू आया है, सब लोगों के पास है ये SQL मेन्यू, मेनली इसाकी और शिवानी आप दोनों के पास है ये SQL मेन्यू विजुअल स्टूडियो में? हाँ सर। शिवानी? नो भैया, मेरे में तो ये आपका खुला हुआ है। हाँ। ये जब खुला है तो ये मेन्यू आना चाहिए था ना, आप डेटाबेस से कनेक्टेड हैं? एक बार यहाँ पे आपको ये सब टेबल ऐसे दिख रहा है, इसके अंदर में टेस्ट डीबी दिख रहा है, डेटाबेस के अंदर में टेस्ट डीबी दिख रहा है? हाँ, टेस्ट डीबी है, दिख रहा है। तो ये मेन्यू आपको नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं दिखेगा, देखिए जैसे हम कर्सर बाहर कर दिए तो देखिए SQL गायब हो गया है, जब आपका कर्सर यहाँ पे रहेगा, ठीक है, देखिए जब हम कर्सर यहाँ पे डाले हैं, ठीक है, क्वेरी वाले में हम क्या किए, राइट बटन क्लिक किए, राइट बटन जाके क्रिएट न्यू क्वेरी यहाँ पे, राइट, न्यू क्वेरी पे क्लिक किए, जब मेरा कर्सर इसके अंदर में रहेगा तभी ये SQL मेन्यू रहेगा, अगर इसके अंदर में नहीं रहेगा, कहीं और अगर मेरा कर्सर रहेगा, है ना, इस स्क्रीन में नहीं है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे SQL मेन्यू गायब हो जाता है, ठीक है। तो आपको कर्सर जो है इस क्वेरी वाले के अंदर में रखना है, जब क्वेरी वाले विंडो में रहेगा तब आपको ये SQL क्वेरी मेन्यू दिखा, अब दिख रहा है? हाँ। चलिए अब हम क्या करने वाले, देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं और SQL में जाइए और एग्जीक्यूट कीजिए, ऐसा कि आप भी कीजिए और आपको पता चलेगा कि क्या करेगा। अब ये क्या करता है ध्यान से देखिए, ये क्या करता है, ये आपको बताएगा कि अभी आपके इस डेटाबेस सर्वर में, अभी आपके इस डेटाबेस सर्वर में कितने लोग लॉगिन किए हुए हैं और वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसके हर एक कमांड को समझने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ है ये SPID है, वो सब कुछ आईडी वगैरह है जो कि SQL सर्वर यूज करेगा, स्टेटस में बैकग्राउंड लिखा हुआ है और लॉगिन नेम है SA, SA जो है यूजर नेम है,
जो कि आपका ये सुपर यूजर, इसके पास सारा परमिशन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कर क्या रहा है अभी, ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है कि कौन से डेटाबेस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हम लोग एक जगह पे कहीं ना कहीं पे आपका कौन सा डेटाबेस है, टेस्टडीबी भी है, राइट? हाँ टेस्टडीबी नीचे ठीक है, आप में भी देखिए, आपके में भी दिखेगा। तो टेस्टडीबी से केवल एक आदमी कनेक्ट हुआ है और उसका लॉगिन नेम क्या दिखे, तो हम जो यूजर आईडी देते हैं वो मेरा विंडोज का यूजर आईडी, आप लोगों के पास ऐसा दिख रहा है टेस्टडीबी? अगर आपके पास डेटाबेस है और अगर आप यहाँ पे कनेक्टेड है तो क्या आपको कहीं पे टेस्टडीबी दिखा है? हाँ सर दिख रहा है, उसमें होस्ट नेम लॉगिन नेम दिख रहा है, आप तो लॉगिन नेम नहीं दिए थे ना, लेकिन लॉगिन नेम दिख रहा है, वो लॉगिन नेम क्या है? आपका विंडोज का यूजर आईडी, यही यूजर आईडी देके आप लॉगिन करते हैं ना सर, ठीक है, सब लोगों को दिख रहा है ये कनेक्शन डॉट क्लोज करेंगे जयप्रकाश तो वो कनेक्शन क्लोज होगा। तो कनेक्शन क्लोज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कनेक्शन को ओपन करके अगर आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो डेटाबेस का जो रिसोर्सेज है वो अंडर यूटिलाइज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं डेटाबेस में, जब कनेक्शन क्रिएट करते हैं तो उस कनेक्शन को हम लोगों को क्लोज भी करना चाहिए। बात समझ में आ गया है? और कनेक्शन को अगर क्लोज करना है तो उसके लिए सिक्वल कनेक्शन क्लास में एक आपको मेथड दिया गया है, क्लोज मेथड। तो आप सिक्वल कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के साथ उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्लोज मेथड को, तो ये रिटर्न क्या करता है, वॉइड, मतलब ये कुछ भी रिटर्न वगैरह नहीं करेगा और क्लोज आपका जो है, और ये एक एक्सेप्शन भी दे सकता है, SQL एक्सेप्शन, अगर आप कुछ गलत काम करेंगे तो। वो गलत काम क्या हो सकता है, अगर आप उसमें इसको आप लोग नोट कर लीजिए, करेंगे बाद में, कहां पे इसका यूज करना है अभी हम दिखाने जा रहे हैं। अब आप लोग जाइए program.cs, सबके पास program.cs फाइल है, उस program.cs में चलिए, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग कुछ भी टाइप कीजिए, इससे पहले कि आप लोग पहले कुछ भी टाइप कीजिए, आप पहले समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। इस वाले पहले लाइन का जरूरत नहीं, इसको हटा दीजिए। सबसे पहला काम हम किए हैं, देखिए यहाँ लिखे हैं यूजिंग रीड रिकॉर्ड्स यूजिंग क्वेरी डॉट डेटा कॉन्टेक्स्ट। ये क्या है, कोई हमको बताएंगे? नेमस्पेस से यूज कर रहे हैं इसको। हाँ, बाकी लोग जय और शिवानी आप बताएंगे क्या है ये? सर ये यूज रीड जो है ना सर, उस डेटाबेस जो एक बना हुआ है सर, जो प्रोजेक्ट उसको सर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सर, उसका जो भी है यहाँ पे उसको कॉल कर रहे हैं। यस, सो ये जो डेटा, शिवानी आपको समझ में आया क्या है ये? यस सर, वो डेटाबेस को कॉल कर रहा है। डेटाबेस को नहीं कॉल कर रहा है मैडम, ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाए हैं, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है वो इस नेम स्पेस के अंदर में है, रीड रिकॉर्ड्स यूजिंग क्वेरी डॉट डेटा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब हमको प्रोग्राम डॉट सी एस में ये कॉन्टेक्स्ट जो, ये जो डीबी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास है इसको हमको यूज करना है, राइट? लेकिन ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो क्लास है वो इस नेम स्पेस में है, ठीक। तो ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को यूज करने के लिए हमको इस नेम स्पेस को वहां पे लाना पड़ेगा। तो लाने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं यूजिंग और उस नेम स्पेस का नाम। जब हम उस नेम स्पेस का नाम यहाँ लिख देंगे तो अब अगर हम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास को यहाँ पे रेफर करें, उसको यूज करें, तो ये एरर मैसेज नहीं देगा, क्योंकि ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये आ गया। अगर हम इसको जो है कमेंट कर दें तो ये हमको अब एरर देगा, बोलेगा डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्या है हमको नहीं पता है, राइट? बात समझ में आ गया? तो ये मेरा नेम स्पेस था उस क्लास को यूज करने के लिए। बाकी अगर दूसरे जगह पे भी अगर इस तरह से आप क्लास वगैरह बनाएंगे, अलग अलग तरह का क्लास, हम क्यों इस बात को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे चलने वाले, आगे आने वाला जो भी क्लास होगा उसमें हम लोगों के पास बहुत सारा क्लास का फाइल बनेगा, अलग अलग एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारा क्लास का फाइल बनाएंगे और नेम स्पेस का नाम भी अलग अलग रख सकते हैं। तो इसलिए हम इस चीज को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई ये जो है थोड़ा ध्यान में रखने वाला चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये यूजिंग करके उस नेम स्पेस को ले आए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नोट बाद में कीजिएगा, पहले ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं। हम लोग उस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अगर उसके प्रॉपर्टी या मेथड को यूज करना है, इस क्लास के प्रॉपर्टी या मेथड को, तो उसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी ना उसको यूज करेंगे। हेलो सर, ठीक है। अब देखिए
दो प्रॉपर्टी मेरे पास था, एक था डेटाबेस सर्वर और एक था डेटाबेस का नाम। दो प्रॉपर्टी हम बनाए थे ना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए हम यहां से आपको फिर से दिखा रहे हैं, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में गए हैं, यहाँ पे एक है डेटाबेस का नेम प्रॉपर्टी, डेटाबेस नेम प्रॉपर्टी, और एक है डेटाबेस सर्वर प्रॉपर्टी। दोनों ही पब्लिक है, दोनों ही पब्लिक है, पब्लिक है तो हम लोग इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कहीं भी कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटा सर्वर, डेटाबेस सर्वर, राइट। अब डेटाबेस सर्वर में जो आपका लोकल डेटाबेस है, जो आपका लोकल डेटाबेस है, उसको आप कई तरह से लिख सकते हैं। तो हम आपको अलग अलग तरह से यहाँ पे लिख के रखे हैं, ये अलग अलग तरह से सैंपल है, हम लोग सब तरह से यूज करके देख लेंगे और आप लोग भी जो है अलग अलग तरह से यूज करके देखिएगा, ठीक है। अब मेरे पास जो ये सर्वर का नाम है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका भी यही नाम हो, आपका नाम कुछ अलग भी हो सकता है। और ये नाम हमको कहाँ से मिला है, ये नाम हमको मिला है अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए तो लिखा है एमएस सिक्वल सर्वर 2019, ये लिखा हुआ है यहाँ पे एमएस सिक्वल सर्वर 2019 लिखा हुआ है ना। यस भैया। और उसके पहले जो है वो डेस्कटॉप में मेरा कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो जो भी कुछ आपके इसी कंप्यूटर पे है, जो भी कुछ आपके कंप्यूटर पर है, उसको यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे एक तरीका ये है कि हम इसी कंप्यूटर का नाम लिखें यहाँ पे, यही मेरा कंप्यूटर का नाम है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्कटॉप स्लैश RJMVQJ वो कुछ लिखा हुआ है, राइट, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे हम, यहाँ पे कितना स्लैश है, एक स्लैश, कितना स्लैश है, बैक स्लैश कितना है यहाँ पे, एक। लेकिन यहाँ पे हम कितना दिए हैं, दो। दो ऐसा किस लिए दिए हैं कोई बताएंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग में आपको ये बताए थे क्या सर, यहाँ पे एक स्लैश है, राइट, ओ और एम एस के बीच में, यस सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कितना स्लैश लिखे हैं, डबल एस, दो। ऐसा क्यों किए हैं कोई बताएंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग में आप लोगों को बताए होंगे, ओके ठीक है, अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए बेसिकली क्या है, एस्केप जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये बैकस्पेस जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ये सी में भी एप्लीकेबल है, सी प्लस प्लस में भी है और सी शार्प में भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये बैक स्लैश जो है एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, जैसे आप सी में अगर लिखेंगे तो बैक स्लैश एन लिखते हैं, बैक स्लैश आर लिखते हैं, उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। तो अभी बेसिकली हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ओ और एम के बीच में एक बैकस्पेस चाहिए, राइट, बैकस्लैश चाहिए, सॉरी नॉट बैकस्पेस, बैकस्लैश चाहिए। तो बैकस्लैश जो है उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो बैकस्लैश जो है एक स्पेशल कैरेक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे बैकस्लैश को एज ए स्पेशल कैरेक्टर नहीं, बैकस्लैश को एज ए बैकस्लैश ही यूज करना चाहते हैं। तो हमको बैकस्लैश को अगर बैकस्लैश यूज करना है तो हम लोगों को यहाँ पे बैकस्लैश एक और लगाना पड़ता है, दो बैकस्लैश लगाना पड़ता है। ये एस्केप, ये स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड चीज है, एस्केप सीक्वेंस को कैसे हैंडल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर में उससे रिलेटेड चीज है, उसको डेटाबेस या किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली शॉर्टकट में यही जान लीजिए कि हमको अगर एक सिंगल बैकस्लैश लिखना है तो आपको यहाँ पे दो बैकस्लैश लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर इस चीज को आप एक ही बैकस्लैश लिखना चाहते हैं तो उसका दूसरा तरीका ये है कि आप जो स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसको स्ट्रिंग से को लिखने से पहले इन्वर्टेड कॉमा से पहले एट द रेट सिंबॉल डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, एट द रेट सिंबॉल। ये आपको याद रखने की चीज है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये ऐसे तरीका बताया गया है सी शार्प में बैकस्लैश को हैंडल करने के लिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, इसमें कुछ दिमाग लगाने का चीज नहीं है कि इसमें क्या समझना है, ये याद रखने का चीज है, ये ऐसे सी शार्प में दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए कि भाई ऐसे करना है, इसमें कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं है, ये तरीका है बैकस्लैश को हैंडल करने का या बैकस्लैश को यूज करने का स्ट्रिंग के अंदर में। कोई दिक्कत की नहीं को, किन्हीं को कोई दिक्कत, ठीक है। वैसे ही चीज देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दो बार स्लैश है, 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 लेकिन हमको चाहिए कितना बार, एक बार।
लेकिन अगर स्ट्रिंग के अंदर में एक स्लैश चाहिए तो हमको दो स्लैश लिखना पड़ता है। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब दो स्लैश का मतलब अब देखिए, ये तो मेरा SQL सर्वर सॉफ्टवेयर का नाम है जो कि MS SQL सर्वर 2019 लिखा हुआ है। आप लोग अपने अपने कंप्यूटर में जरा हमको पढ़ के बताएंगे कि क्या लिखा हुआ है डेटाबेस सर्वर का नाम आप लोगों का? जयप्रकाश, आप और शिवानी, इसाकी, सब लोग। मेरा डेस्कटॉप फिर सर बीच में स्लैश PQ6V7V0 SQL सर्वर 15.02000 डेस्कटॉप है सर। उतना लंबा नाम है, ठीक है, जो भी नाम, ठीक है, जो भी नाम है। शिवानी आपका क्या है यहाँ पे, नाम क्या लिखा हुआ है? देखिए ये SQL सर्वर 15, ये इतना नहीं बताना है हमको, बस यहीं तक बताना है। जय, मेरा SQL सर्वर 15.0000, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है, अगर देखेंगे गड़बड़ी होगा तो बताएं, देखेंगे। इसाकी आपके में क्या लिखा हुआ है? सर मेरे में लिखा है /VMOIQVN, ठीक है, स्लैश स्लैश के बाद बताइए। स्लैश में इतना ही मेरा सर्वर, इतना ही है। हाँ चलिए ठीक है, जो भी है, तो ये आपके सर्वर का नाम है और सर्वर के नाम से पहले ये लिखा होता है कि लोकेशन क्या है, वो है कहाँ पे। तो लोकल होस्ट का मतलब है कि आपके अपने कंप्यूटर में है या आपके इसी कंप्यूटर में है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोकल होस्ट लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर आपका दूसरा तरीका है, आप इस ब्रैकेट में लोकल खाली लिख दीजिए तो काम चल जाएगा, ठीक है, या तीसरा तरीका है खाली एक डॉट डाल दीजिए तो काम चल जाएगा, सिंगल डॉट, केवल डॉट, ये तीसरा तरीका है। और चौथा तरीका यह है कि जो आपका डेस्कटॉप जो भी लिखा हुआ है वही चीज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। या इसमें टीसीपी क्या है? टीसीपी प्रोटोकॉल है, वो भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसके बाद दूसरा लिख सकते हैं HTTP, वो सब लिख सकते हैं इसमें? नहीं, HTTP नहीं है, TCP प्रोटोकॉल पे काम करता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गया? आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। देखिए कितने तरह से हम लिखे हैं यहाँ पे, खाली लोकल टीसीपी कॉलन लोकल होस्ट लिखे हैं, इसमें खाली लोकल होस्ट लिखे हैं, इसमें केवल लोकल लिखे हैं, इसमें डॉट लिखे हैं, और इसमें आप पूरा डेस्कटॉप जो मेरे पास लिखा है वो लिखे हैं। तो कई तरह से आप सर्वर का लोकेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद आपका यह SQL सर्वर का इंस्टेंस का नाम। सर इसमें कौन सा प्रोटोकॉल मतलब? जय और शिवानी और सुमन, तो मेरे पास जो चीज लिखा हुआ है वही चीज आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको आपके कंप्यूटर में जो डेटाबेस का नाम लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यू डालना है। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। चलिए दूसरा चीज जो है, और अभी हम जो है सबको अलग अलग करके दिखाएंगे, अभी हम पहला वाला केवल यूज कर रहे हैं, बाकी सब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सब क्या है, कमेंटेड है। तो आप लोग भी पहले एक यूज कीजिए, है ना, पहला कोई भी एक यूज कीजिए, और सब अलग अलग तरह से यूज करके आप लोग भी देखिएगा। कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर, नहीं, ठीक है। चलिए दूसरा जो पैरामीटर है वो है डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट और डेटाबेस नेम डाल दिए हैं, और हम लोग का डेटाबेस का नाम क्या है, हम लोग क्या बनाए हैं, टेस्ट डीबी। आपको भी हम बोले थे टेस्ट डीबी ही बनाइए, ताकि सबका कोड कम से कम यहाँ तो सेम हो जाए, क्योंकि सर्वर का नाम जो है उसमें तो हम नहीं सेम करवा सकते हैं, क्योंकि सब लोग अलग अलग इंस्टॉल किए हैं, अलग अलग कुछ कुछ नाम डाले हैं, तो उसको हम नहीं सेम करवा सकते हैं, लेकिन कम से कम डेटाबेस का नाम सेम हो, इसलिए हम सबको बोले थे आप लोग टेस्ट डीबी नाम का ही डेटाबेस बनाइए। तो ये लाइन आप हूबहू उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? हाँ सर, ठीक है। इसके बाद यूजर नेम पासवर्ड अभी छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूजर नेम पासवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, जब हम आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाना बताएंगे तब आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपका प्रोग्राम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्या किए हम लोग, कनेक्शन SQL कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल टू डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट डॉट ओपन कनेक्शन। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओपन कनेक्शन को जब हम कॉल किए हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओपन कनेक्शन मेथड जो बनाए हैं, आप ध्यान से देखिए क्या रिटर्न कर रहा है, SQL कनेक्शन, SQL कनेक्शन। ओपन कनेक्शन मेथड कौन बनाया है, हम लोग बनाए हैं डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में, गुड है, बनाए सर डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में हम ही लोग बनाए हैं ओपन कनेक्शन, राइट, और ये यूज, ये रिटर्न क्या कर रहा है,
सीक्वल कनेक्शन, सीक्वल कनेक्शन। तो इसीलिए जब हम लोग इस ओपन कनेक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, सीक्वल कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ये फंक्शन अगर ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो हमको उसको कैच करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए ना उसका। हाँ सर, बात समझ में आ रहा है सुमन, इसाकी और शिवानी? यहाँ पे हम सीक्वल कनेक्शन क्यों लाए यहाँ पे अचानक से? हाँ सर, बाकी लोग यस सर समझ में आया ये सीक्वल कनेक्शन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो सीक्वल कनेक्शन कनेक्शन इक्वल टू क्या किया, डेटाबेस कनेक्शन डॉट ओपन कनेक्शन किए। अब इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में क्या आ गया देखिए, तो इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट में कर क्या रहे थे, सीक्वल कनेक्शन रिटर्न तो कर रहा है, सीक्वल कनेक्शन यहाँ लाए, यहाँ पे कनेक्शन इक्वल टू न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग किए और कनेक्शन डॉट ओपन करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, रिटर्न कनेक्शन कनेक्शन। तो ये जब कनेक्शन हम लोगों का नया क्रिएट हुआ है तो एक नया ऑब्जेक्ट बन के आया, राइट? नया ऑब्जेक्ट बना ना, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या किए हैं, कनेक्शन को ओपन ओपन किए हैं, राइट? तो इस कनेक्शन के पास डेटाबेस से कनेक्ट करने का एक ओपन चैनल खुला हुआ है। कोई दिक्कत इसको समझने में? नहीं सर। किन्हीं को भी कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कनेक्शन। तो ये क्या कर देगा, कनेक्शन तो क्या कर देगा, क्लोज करेगा। चलिए अब हम लोग इसको रन करते हैं, हम जरा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, डिबग मोड में जाते हैं। हम ये वर्ड स्पेशली यूज कर रहे हैं क्योंकि कुछ रीजन है, ठीक है? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा हम अभी डिबग मोड में जा रहे हैं, ठीक है? चलिए अब हम लोग इसको रन करें, चलिए रन करते हैं। क्रिएट कनेक्शन है, इसको जरा हम लोग सेव कर लेते हैं फिर रन करते हैं। एक सेकंड, जरा हम एक सेकंड पूछेंगे। कोई कहाँ पे थे ना? तो ये हम लोग का स्क्रीन है और ये आपका प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, ठीक है? हम अभी डिबग मोड में हैं, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे आके रुक गया है, आगे इसका प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूशन रुका हुआ है। हम अभी F10 प्रेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, F10 आपके कीबोर्ड में है, F10 प्रेस कर रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़े। तो अब यहाँ पे जो डेटाबेस नेम में वैल्यू सेट हो गया testdb, और अब हम लोग ओपन कनेक्शन में जा रहे हैं। ओपन कनेक्शन में जाने से पहले अब हम F11 प्रेस करने वाले हैं। इससे पहले आप देखें यहाँ पे हम लोग डेटाबेस सर्वर का नाम भी सेट कर दिए हैं, जिसमें दिखा रहा है TCP लोकल होस्ट जो भी है वो सेट हो गया है, और उसके बाद जो है डेटाबेस का नाम जो है वो भी सेट हो गया। अगर आप यहाँ पे कर्सर लाइएगा तो दिख जाएगा डेटाबेस का नाम का क्या है, यहाँ पे testdb है। और अब हम लोग ओपन कनेक्शन के पास है, ये भी आगे नहीं बढ़ा है। अब हम F11 प्रेस कर रहे हैं, क्या प्रेस कर रहे हैं, F11, ठीक है? F11 प्रेस किया तो हम लोग कहां पे आ गए, ओपन कनेक्शन मेथड के अंदर में आ गए हैं। और अब हम लोग F10 प्रेस कर रहे हैं, एक एक लाइन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? कनेक्शन स्ट्रिंग आ गया। और अब अगर आप जाकर देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ डेटाबेस का नाम क्या है, testdb, और यहाँ पे डेटाबेस सर्वर का नाम क्या है जो हम लोग डाले थे TCP:localhost, आ गया यहाँ पे? Yes, sir. कैसे आ गया है कोई बताएंगे हमको? सर वहां से उसको कनेक्शन मिला ना सर, जहां से हम लोग कनेक्शन को ओपन किए थे। अच्छा एक सेकेंड, हमको जरा बताइए कि ऐसा यहाँ पे कौन सा लाइन लिखे हैं जिसके चलते कि हमको यहाँ पे डेटाबेस का नाम और डेटाबेस सर्वर का नाम यहाँ पे दिखने लगा जो कि हम यहाँ पे सेट किए थे, यहाँ पे ऐसा क्या काम सर? हाँ बोलिए। ये तो सर डेटा कॉन्टेक्स्ट का सर ऑब्जेक्ट बनाया सर, जिससे उसका पूरा डेटा एक्सेस हो गया सर। और उसके बाद सर यहाँ पर सर डेटाबेस नेम में testdb को दिए कि सर testdb हमें मिला। और सर जब SQL ओपन किए सर, ओपन कनेक्शन को कॉल किए सर, तो उससे पहले सर इसमें सर हम लोग एक ये पास किए थे सर, इससे पहले
डेटाबेस का कनेक्शन पास किए थे सर, जो एसक्यूएल सर्वर वाला बता रहे थे, जो 19 था सर, वहां से सर वो डेटाबेस का सोर्स आ गया सर, और यहाँ से ओपन जैसे ही किए तो सारा ये यहाँ पे कॉल हुआ तो डेटाबेस का सारा डेटा कनेक्शन यहाँ, नहीं पास किए हैं, एक सेकंड, सर्वर का नाम पास यहाँ किए हैं, सर्वर का नाम पास सर्वर किए का सर नाम जो सेट वहां पे आ किए गया। हैं, सर्वर का नाम सेट किए हैं और डेटाबेस का नाम सेट किए हैं। यस ओके सर, और इसी से थैंक्स ओपन ओपन थैंक्स कनेक्शन में चला विजय, गया सर। एब्सोल्युटली राइट, योर एब्सोल्युटली राइट चाहिए शिवानी आप। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ से F10 करते हैं, ठीक है। आप देखिए तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा वेरिएबल है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल, यहाँ पे देखिए नीचे कनेक्शन स्ट्रिंग वेरिएबल दिख रहा है ऑटोज के अंदर में, और यहाँ पे उसका वैल्यू दिख रहा है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू, डेटाबेस नहीं, डेटाबेस इक्वल टू टेस्ट डीबी, और डेटा सेट्स इक्वल टू टीसीपी, जो भी लिखे थे वो दिखने लगा है पूरा राइट। तो ये मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो गया है, यही आपको हम शुरू में बताए थे लास्ट क्लास में, जो डब्बा उब्बा बनाकर बताए थे यही बताए थे राइट, कि कनेक्शन स्ट्रिंग होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू कनेक्शन स्ट्रिंग, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं और कनेक्शन डॉट ओपन किए, कनेक्शन डॉट ओपन किए, कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, कनेक्शन क्या हो गया है, ओपन हो गया है। कनेक्शन ओपन का मतलब कनेक्शन क्या हो गया है, ओपन हो गया है राइट, ये कनेक्शन डॉट ओपन कर लिया ना, रन हो गया ना वो कमांड, सर कनेक्शन यहाँ से ओपन हो गया सर। कनेक्शन यहां से ओपन हो गया। कैसे देखेंगे, इस SQL क्वेरी में जाते हैं, इसको हम रन करते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पे गए SQL में, गए एग्जीक्यूट करते हैं। लास्ट टाइम में आप लोगों को दिखा था ना एक टेस्ट डीबी, लास्ट टाइम में कितना दिखा था टेस्ट डीबी, एक या दो, दो दिख रहा था लास्ट टाइम में एक दिख रहा था, सर, ये क्या दो दिख रहा ना, क्या दो टेस्ट डे भी दो, पहले दिख, लास्ट टाइम में कितना दिख रहा था, एक दिख रहा था, अभी कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है, लास्ट टाइम में आपको दो दिख रहा था, सर तो अब अगर रन कीजिएगा तो आपको तीन दिखेगा, लेकिन हमको यहाँ पे एक ही दिख रहा था लास्ट टाइम में, ठीक है। अभी हम लोग करके दिखाते हैं, फिलहाल अभी हम लोग क्लोज कनेक्शन नहीं किए हैं राइट, ओपन केबल किए हैं, और अभी आपके पास कितना है यहाँ पे, एक ये है और एक दो है राइट, एक एक है स्लिपिंग मोड में, अगर आप देखिएगा स्टेटस, तो एक है स्लिपिंग और एक है रन रनेबल, ठीक है, दोनों में जो है हम लोग विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज किए हैं, इसलिए यूजर नेम जो है सेम सेम दिख रहा है, कोई दिक्कत, लेकिन दो कनेक्शन नहीं है ना, एक जो है सेलेक्ट का वेट कर रहा है और एक है अवेटिंग कमांड है, एक स्लीपिंग मोड में और एक रनेबल मोड में, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस होता है डेटाबेस का, ठीक है। चलिए तो अभी दो कनेक्शन दिख रहा है, अब देखिएगा क्या होता है, कनेक्शन डॉट ओपन किया, अब आगे बढ़ते हैं, इसको F10 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली लिखा जाना चाहिए, लिखा गया कनेक्शन ओपन सक्सेसफुली, कंसोल में यस सर, फाइल लिखे थे ना, हाँ सर, हाँ लिखा सर, गया राइट, और अब हम F10 प्रेस कर रहे हैं, और अब हम रिटर्न कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब कनेक्शन यहाँ से यहाँ रिटर्न हो गया, तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अभी इसी कनेक्शन ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पास कर रहे हैं, क्लोज उस कनेक्शन कनेक्शन में मेथड में F10 में जाते हैं, और अब F11 करते हैं, F11 किए, कनेक्शन ऑब्जेक्ट अभी क्या होगा, नल नहीं है, क्योंकि इसमें एक हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट राइट, है, ऑब्जेक्ट ठीक है। अभी हम लोग कनेक्शन नॉट इक्वल टू नल, तो ये कनेक्शन डॉट अभी क्लोज करेगा, कनेक्शन क्या हो गया, क्लोज हो गया राइट, ये क्लोज वाला लाइन पास कर गए ना, अब हम इसमें आ गए ना, हाँ कनेक्शन अभी चेक कर क्या हो सकते गया, क्लोज हो गया, जरा जाके हैं। देखिए तो इस क्वेरी को फिर से रन करते हैं, ठीक है, अब जरा जाके देखिए ना टेस्ट डीबी कितने हैं, टेस्ट डीबी दो कितने, है अभी भी, एक एक सेकंड, स्लीपिंग है, रनेबल कहाँ पे भैया, सर, ये क्या है, अवेटिंग कमांड, दूसरा सेलेक्ट, रनेबल स्लिपिंग, एक रनेबल है, एक सेलेक्टिंग है, तो अभी तक ये क्लोज नहीं हुआ है, एक सेकेंड, क्लोज क्यों नहीं हुआ है, रुक जाइए, इसको जरा एक कोड और जानते हैं, F10, अभी देखो सर। एक सेकेंड, ठीक है, अभी प्रोग्राम खत्म हो गया है, इसको अभी हम रन करते हैं, एक करेक्शन का भी तीन होना चाहिए बेसिकली। अभी बंद हो गया, अभी टेस्ट डीबी कितना दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, एक रन केवल वो भी रनेबल में रनने वाले, स्लीपिंग वाला बंद हो गया राइट, हाँ स्लिंग वाला बंद हो गया पूरा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लिया, जो भी है नल जब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो कनेक्शन आपका क्या हो गया, बंद हो गया राइट, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि कनेक्शन क्रिएट होता है और आप उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं
राइट right? तो आप लोगों को समझ में आया कि कनेक्शन ओपन होता है तो क्या होता है और क्लोज करने के बाद क्या होता है। अगर आप उसको क्लोज नहीं कीजिएगा तो सिक्वल सर्वर में कनेक्शन का लिमिटेशन है या किसी भी डेटाबेस में कनेक्शन का लिमिटेशन होता है। बात समझ में आ गया। बाय डिफॉल्ट जब आप कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं देते हैं कि आपको एट ए टाइम कितना कनेक्शन ओपन करना है या ऐसा कुछ भी आप नहीं देते हैं, जैसे अभी हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हैं यहाँ पे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हैं राइट, यहाँ पे बनाए हैं ना कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाए हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं बोले हैं कि कितना कनेक्शन ओपन होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं बनाया राइट, नहीं बोले हैं। तो सिंगल सर्वर में बाय डिफॉल्ट 100 कनेक्शन का कनेक्शन पूल का ऑप्शन होता है। बाय डिफॉल्ट 100 कनेक्शन पूल आप क्रिएट कर सकते हैं, 100 कनेक्शन ही क्रिएट हो पाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 100 कनेक्शन ही क्रिएट हो पाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू, ठीक। अब ये क्या होता है नहीं होता है उसको हम लोग सिक्वल कनेक्शन पूलिंग बोलते हैं या कनेक्शन पूल बोलते हैं, हम लोग थोड़ा आगे चल के बात करेंगे किसी समय, ठीक। तो ये समझ में आया सब लोगों को, कनेक्शन क्रिएट करना, कनेक्शन क्लोज करना, कनेक्शन क्रिएट करने पे क्या होता है, फिर क्लोज करना क्यों जरूरी है, ये सब लोगों को समझ में आ गया है। हाँ सर। कभी भी कनेक्शन ओपन करेंगे आपके प्रोग्राम में तो हर बार आपको कनेक्शन को क्लोज भी करना आपका काम है। नई कनेक्शन क्लोज कीजिएगा तो आपका कनेक्शन एग्जॉस्ट हो जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आप कनेक्शन नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे और आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। तो अब आप लोग एक काम कीजिए, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट आप लोग लिख चुके हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस में आप लोग कौन कौन सा लाइन लिखेंगे कोई हमको बताएंगे। एक तो आपका ये यूजिंग स्टेटमेंट जो कि आपके आपके नेम स्पेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, दूसरा ये लाइन लिखेंगे जो आप हूबहू कॉपी करेंगे राइट, तीसरा डेटाबेस डॉट डेटा सर्वर, और इसमें जो वैल्यू देना है वो आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली देंगे। वैल्यू किसके अकॉर्डिंग देंगे, आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग देंगे, जो आपका सर्वर का नाम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग देंगे। इसी चीज को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है। इसको अभी आप हटा सकते, जो भी चीज कमेंटेड है उसको अभी आप नोट नहीं कीजिएगा, जो भी चीज कमेंटेड है वो अभी टाइप नहीं कीजिएगा। बात समझ में आ गया सब लोगों को। हाँ सर। तो मेरा डेटाबेस में सर तो PQ6 भी है तो खाली वही डालेंगे ना सर, जो भी आपका सर्वर का नाम है वो डालिए, काम किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि क्या गड़बड़ी है, ठीक। लेकिन क्या डालना है वो यहाँ पे देख के करना है राइट, बात समझ गए सर। शुरू वाला डालना है सर, कौन सा डालना है? देखिए हम क्या डाले हैं, देखिए ध्यान से हम क्या डाले हैं, MS SQL Server 2019 ये कहाँ पे है ध्यान से देखिए। ये सर मेरे में स्लैश है ही नहीं सर, डायरेक्ट ब्रैकेट में है वो सर। हाँ ठीक है, तो ब्रैकेट वाला नहीं आएगा, ब्रैकेट वाला नहीं आएगा। कौन सा ब्रैकेट वाला? ये वाला, ये सीक्वल में जो ब्रैकेट में है सर वो नहीं आएगा, वो नहीं आपको डालना है। तो एक सेकंड रुक जाइए, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये ब्रैकेट सीक्वल में नहीं कि सर, ब्रैकेट में सीक्वल सर। आपके पास स्लैश है ना सर, स्लैश की जगह पे हमारे पास डेस्कटॉप का नाम। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, हम अभी सबको डिस्कनेक्ट डिस्कनेक्ट सब डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है सबको पहले हटा दीजिए वहां से, ठीक है। हटाने के बाद इस प्लस पे क्लिक कीजिए, एड सिक्वल सर्वर, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ अलग तरह का दिख रहा है तो पहले सबको हटा दीजिए, सबको डिस्कनेक्ट कीजिए राइट बटन क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड सिक्वल सर्वर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। यहाँ से लोकल पे क्लिक कीजिए, ठीक। यहाँ पे ब्राउज में जाइएगा, लोकल पे क्लिक करके आपका जो सिक्वल सर्वर का नाम है, डेटा सर्वर का नाम वो दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, विंडोज ऑथेंटिकेशन रहने दीजिए और कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। सुमंत का उस दिन हमको याद है कि नहीं था आ रहा था ये वाला स्क्रीन, तो आप जो है यही काम जो आप SSMS में करेंगे, सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में, और तब आपको जो यहाँ पे नाम दिख रहा है जय, वो यूज कीजिए आप, जो भी नाम दिख रहा है वो यूज कीजिए, ठीक। कुछ दिक्कत होगा तो फिर हम देखेंगे चेक करेंगे क्या है, उसको पहले एक जगह लिख देते हैं, बाद में जो है हम इसको सही करेंगे, ठीक है। जो जो चीज काम वाला है एक जगह लिख देते हैं ताकि आप लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़े कि कौन उतारे कौन सा नहीं उतारे, ठीक है। हम बाद में इसको सही करते रहेंगे। यही चार ही लाइन लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये चार लाइन लिखना है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हटा देते हैं अभी, कंट्रोल एक्स,
इसको ओपन कर देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो ये छह लाइन आपको लिखना है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन होगा इसको आपको अपने आपका जो क्लास का नाम है, सॉरी नेम स्पेस का नाम है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट वाला जो वहां पे नाम है वो लिखना है, आप बंद करके ये नहीं उतारना है, ठीक है। अब जरा आप लोग इसको नोट कीजिए, प्रोग्राम डॉट सी एस वी।